हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आकाश 2M में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का रिजल्ट डेट और स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। आंसर की के बाद आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है, आज फाइनली मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके समक्ष। ठीक है, जो एक बेहतरीन कट ऑफ फाइनली वो कट ऑफ आपका जा सकता है। कल एसएससी एचएसएल का रिजल्ट आ चुका था और जैसा मैंने प्रीवियस कई वीडियो में बताया सीएसएल का रिजल्ट ऐसा कट ऑफ जाएगा, वास्तव में वही कट ऑफ गया, बस एक या दो का फर्क गया है सिर्फ। ठीक है, तो इस बार में सटीक कट ऑफ आप सामने लेकर आए हो, बिना कोई आसानी से आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो मैं अपना पीडीएफ निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो एसएससी एमटीए 2021 आपका जो एग्जाम हुआ 2021 असेसमेंट ईयर है इसका। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर का लेवल कैसा था। तो बच्चों से मैंने जैसे पूछा था, मैंने कम्युनिटी ऐप और खुद जैसे मैंने उनके प्रत्यक्ष से मिला था, तो बच्चों से मैंने पूछा था जो आपके जो पेपर का था वो मॉडरेट था, डिफिकल्ट भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। कोई कोई शिफ्ट था जो थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट था। ठीक है, बच्चों ने बोला था कि पेपर मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा ईजी भी नहीं है। ठीक है, और सबने आंसर की देख ली होगी, आंसर की डेट आपको पता ही थी, आपको 8 अगस्त तक लास्ट डेट है, 7/8/2022 की लास्ट डेट है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर की देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा अभी तक। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2019-20, जो प्रीवियस ईयर आपका एग्जाम हुआ था 2020 असेसमेंट ईयर का, उसमें बच्चों की क्या कट ऑफ गई थी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, जिसमें दो हुआ था 18 से 25 ईयर और 18 से 27 ईयर की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे गई थी। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे एस एस सी एम टी 2021 में क्या कट ऑफ जाने वाली आंसर की के बाद। ठीक है, देख लीजिए वीडियो कंप्लीट देखना और रिजल्ट डेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली का। दिल्ली का आप देख लीजिए, पिछले साल 86.18 गया था और सबसे हाईएस्ट कटों की बात करो तो राजस्थान गया था और बिहार के भी कुछ स्टेट थे जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिला था। चलो हम हाईएस्ट कट ऑफ मान लेते 91, लेकिन उस समय पेपर भी ज्यादा अच्छा था। ठीक है, अभी आपकी जो यहाँ पे सीट है वो इंक्रीज होने वाली है, अभी पता लगा एसएससी टीम की तरफ से सीट जो है आपकी इंक्रीज होने वाली, जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा और वेरी करेगा। ठीक है आपका, तो यहाँ पे जो बच्चों ने मैंने जैसे पूछा था, तो बच्चों ने बोला था हमने 70 से 85 का अटेम्प्ट हमने किया था, जिनों से मैंने पूछा था उन्होंने बोला 70 से 85 अटेम्प्ट ने किया था, और कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया था तो बच्चों ने काफी बोला था हमने 70 से 85 के बीच हमने अटेम्प्ट किया था, और पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा एनालिसिस करता हूँ मैं, फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है, अब देखते हैं, काफी बच्चे ऐसे भी जो 90-95 का अटेम्प्ट करके आए, लेकिन उनका जो ओवरऑल है वो 67-68-70 ऐसे बन रहा है, तो उनके बहुत सारे गलत है, समझ रहे चीजों को। तो आपको जितना अटेम्प्ट करने से मतलब नहीं होता, कई बच्चों मैंने 95 अटेम्प्ट कर लिया, मैंने 97 अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट करने से कोई मतलब नहीं होता है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है उससे मतलब करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कट ऑफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी वास्तव में कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी वाले कहीं ना कहीं इससे वेरी कर सकते हैं 78 या 83 के बीच। जी हाँ, 78 या 83 के बीच काफी विद्वान अभी आएंगे कमेंट्स बॉक्स पे, वो बोलेंगे नहीं कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई है, 90+ जाएगा। मैं उन कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं आपका 78 से 83 के बीच जा सकता है, क्योंकि आपके आंसर की आपने देखी है, आपको पता है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने ओवरऑल आपके सही आ रहे हैं, आपको पूरा डिसाइड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लेके चलते हैं 78 से 83 बीच। ठीक है, उसके बाद एससी जो है, एससी की जो कट ऑफ है वो 65 से 75 के बीच कहीं ना कहीं यहाँ पे वेरी कर सकता है। और ठीक है, और बच्चे बोलते हैं ईडब्ल्यूएस का असर बता दिया करो, ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस और जनरल में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है 2 या 3 ज्यादा 4 का फर्क यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ओबीसी, इन दोनों में, इन तीनों में ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है आजकल। ठीक है, जब 3 या 4-5 नंबर का यहाँ पे इनको फर्क देखने को मिलता है, ठीक है, कट ऑफ में। उसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी के 68 के बीच कहीं ना कहीं इनका आ सकता है। ठीक है, प्लीज अपना जो आपने कितना सही किया, आपके कितने ओवरऑल सही आ रहे हैं, आपने आंसर की देखा तो आप कितने सही, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे और को पता लग सके कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना चीज है। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे बोलते सर हमने इतना अटेम्प्ट करके जब आंसर की देखा तब उनकी जो बोलती थी वो फूस हो गई, ठीक है उनकी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रिजल्ट डेट के बारे में। जी हाँ, अब रिजल्ट डेट के बारे में बात, रिजल्ट डेट के बारे में, रिजल्ट के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपकी जो आंसर की है वो 2 अगस्त को आपकी आंसर की यहाँ रिलीज हो गई थी एसएससी की तरफ से। ठीक है, उसके बाद आपके जो एग्जाम खत्म हुए थे 26 तारीख को आपके एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे, मतलब 7 दिन बाद आपका जो था यहाँ पे आंसर की रिलीज कर दिया था। ठीक है, जो आपके रिजल्ट है उसकी हाईली पॉसिबिलिटी लगता है सितंबर, जी हाँ सितंबर के मिड में, सितंबर का 3rd वीक आपका 100% रिजल्ट आएगा। जी हाँ, सितंबर का 100% आपका 100% रिजल्ट आने वाला है सितंबर के मिड में, 3rd वीक में आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, एसएससी जारी कर सकती है सूत्रों मुताबिक। और एक चीज बता दो, कल सीएस का रिजल्ट आया था, सीएस का रिजल्ट कुल मिलाकर 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आया है। जी हाँ, 2 महीने उसका रिजल्ट आया है,
तो आपका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रहे। और एक चीज बताए तो सीएसएल का जो रिजल्ट था, सबसे पहले दो जुलाई को उनकी आंसर किया थी, सॉरी 8 जुलाई को उनकी आंसर किया थी और कल उनका रिजल्ट जारी हो गया। तो मतलब आंसर की कि एक या डेढ़ महीने बाद उनका रिजल्ट यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो आपका भी सितंबर के 3rd वीक हाईली पॉसिबिलिटी चांस रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेट लगा होगा। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना इसके बारे में, ठीक है। आपको इस टाइम मैंने कट ऑफ बता दिया है कितना क्या जा सकता है। अगर आप मैंने अगर मैं कमेंट्स करते वीडियो में क्या क्या जा सकता है आपके हिसाब से, आपने कितने सही किए, तो प्लीज कमेंट कीजिए और कमेंट टैब में हिस्सा बनिए पोलिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।